आज के पाठ में मंदलासा नाम में ही इसका अर्थ है, जिसने अपने आलस को मंद कर रखा है पुरुषार्थी है, वह मंदलासा, वह देवी उसकी प्रेम भक्ति चहुं ओर विख्यात हो रही थी। कर्मयोगी और प्रेम भक्ति दोनों का समन्वय पूर्ण रूप से देवी मंदलासा में था। जो प्रेम भक्ति है, इसमें कभी भी संशय नहीं होता। प्रेम भक्ति में संशय नहीं होता, कुतर्क नहीं होते, इसमें पूर्ण विश्वास होता है। ये मंदलासा में गुण परमेश्वर कृपा से, अपनी भक्ति से, समर्पण से, विश्वास से पूर्णतः भरपूर था। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने कहा है, जो प्रेम भक्ति पर सवार हो जाते हैं उनको पथ में बाधा भी आते हैं, विघ्न आते हैं, परंतु वह बड़ी सुगमता से उन पर विजय हासिल कर लेते हैं। विघ्न, पहला ही विघ्न जो प्रेम भक्ति में है वह संशय है। संशय होने से मानव डामाडोल हो जाता है, परंतु जो प्रेम भक्ति पर आरूढ़ है, मंदलासा थी, प्रेम भक्ति पर आरूढ़ कभी डामाडोल नहीं होता, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो जावे। दूसरा कुसंग, ऐसे व्यक्तियों का संग जो उसके विश्वास को डामाडोल करने वाले हों, उसको धर्म से गिराने वाले हों। भक्त को कुवसनी और कुमार्गी कुमार्ग देते हैं, मार्ग को जो दूषित मार्ग है उस ओर लिए चलते हैं। यह विघ्न हुआ करता है जो प्रेम भक्ति में इस पर आरूढ़ होते हैं। तीसरा विघ्न कब सम्मुख आता है, संशय हो जाना, ऐसे ग्रंथों का पाठ कर लेना, अध्ययन कर लेना जो साधक में संशय उत्पन्न कर देवे, क्या ठीक है क्या गलत है, उसका त्याग करता है जो प्रेम भक्ति पर आरूढ़ है। जो अपने सद्गुरु ने मार्ग दिया है उस पर वह अटल रहता है, वह तरक कुतरक से बचा रहता है, बचना होता है, क्योंकि जो कुतरकी होगा वह हठी होगा, जो हठी होगा वह सत असत में कोई भेद ना मानेगा, वह कैसे भी करके अपनी बात मनवाना चाहेगा तो असतवादी बन जाता है। फिर वाद विवाद में पढ़ करके
अपने समय को वह कदापि नहीं खोता। उसका प्रेम भक्ति पर जो मंदलासा का नियम रहा, जिसके कारण उसकी विख्याति हुई, इन सबसे बची रहे। नियमित रूप से क्या करना, स्नान दोनों तन का और मन का, जल से अपने इस देह को स्वच्छ रखना, जाप पाठ सत्संग ध्यान इत्यादि, इन साधनों के द्वारा अपना भीतर स्वच्छ करते चले जाना। राम प्रेम में उसके गीत गाना, उसके गुणों को चिंतन करना, और दूसरे और जो भगवत प्रेमी हैं उनके साथ प्रीति पूर्वक व्यवहार हो, वर्ताव हो, प्रेम भक्ति में भी दीन दुखी पर उदार बने होना, ये सब साधन हैं जो सीधे स्वर्ग की ओर लिए चलते हैं। अब साधना की लीनता की लय अवस्था को प्राप्त करके इससे आगे बढ़ा जाएगा। भगवत भरोसे के अतिरिक्त, भगवत भरोसे के अतिरिक्त वह किसी पर निर्भर नहीं होता, पूरा विश्वासी होता है, सबका हितेच्छुक रहता है। परमेश्वर के पवित्र ग्रंथों का पाठ करके वह गदगद हो जाता है। हरि यश सुनते हुए, हरि गीत गाते हुए रोमांचित हो उठता है, नयनों से प्रेम अश्रु टपकने जाते हैं। अपने नित व्यवहार में, मेल मिलाप में वह सदा सरल रहता है। वास्तव में वह अपनी आत्मा से उस परमात्मा में लीन हो जाता है। तो इस प्रकार से मंदलासा प्रेम भक्ति में निमग्न और कर्मयोग में गुरु महाराज ने वर्णन किया है। ये जितने महापुरुष हुए हैं अपने कर्म कलाप के कारण ही इनकी विख्याति हुई, इनकी कीर्ति चहुं ओर फैली और वह प्रकाश दूसरों के हृदय को प्रकाशित करने वाला। जो जन कर्म भक्ति शुभ धारे, जो इस प्रकार की भक्ति करता है, पाप नाश कर संशय मारे, उसके सारे पाप कर्म अपने आप नष्ट हो जाते हैं। इस मार्ग पर चल करके उसको विशेष रूप से पापों के विनाश के लिए कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता। इन साधनों के साथ वह अपने आप जाने अनजाने में किए पाप कर्म भस्म हो जाते हैं। जो इस प्रकार आत्मावान होकर भक्ति में लग जाता है, अब उसके अंदर बुरी वासना प्रवेश नहीं कर पाती।
उसके अपने कर्म कोई भी बुरा प्रभाव नहीं दिखाया करते। ये कर्म रोग योग जो है, जो कर्म योगी है वही वास्तव में सन्यासी है। सन्यास किससे? बुराइयों से। कर्म योग में रहते हुए अच्छे कर्म करना, जिसका वर्णन हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया है, और प्रत्येक अपना कार्य करिए अर्पण हरि के आगे, जो कुछ भी कर रहा है अपना कर्तव्य कर, क्या जान करके मैं हूं दास राम का प्यारे, अपने आप को दास मानना, मालिक नहीं मानना, मैं उसका दास हूं, प्रत्येक मेरा कार्य उसकी भक्ति है और उसको समर्पित है, ऐसा त्रिगुणतीत साधक उस धाम में बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। ये भाव ही है। ऐसा साधक पावे परम धाम, अपना परम धाम, प्रत्येक फल का त्याग करके, क्योंकि सत्व गुण से जब राग हो जावे अथवा उसमें अहम आ जावे, वह भी बार बार जन्म और मृत्यु का कारण बनेगा। सत्व गुण भी तीन गुण ही है, ये अवश्य श्रीमानों के ग्रह में जन्म है, राजे महाराजाओं के घर जन्म है, जहां धन दौलत बहुत होगी वहां जन्म है, परंतु जन्म है, और जन्म के साथ दुख कष्ट तकलीफ रुकावट रोग ये सब जुड़े हुए हैं, इनसे रहत कोई भी नहीं हो पावेगा। ये नियम के अंतर्गत है, किसी एक के साथ नहीं, जिसका भी जन्म है उसके साथ ये जुड़े हुए हैं। जो त्रिगुण तीत है, तीनों